हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अंदर व्लॉग। इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है फाइनली दो दिन बाद घर से। बाकी यार जस्ट मैं अभी नहा वहा के रेडी हुआ, आराम से बैठा हूँ और बॉडी वीकनेस तो बहुत है फिलहाल। बाकी दवा खा ली है मैंने खाली पेट और दलिया आ चुकी है अपने खाने में। ये दलिया यही निपटाएंगे क्योंकि यही खाना है यार, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं खाने का। तो बहुत ज़्यादा हुआ तो डॉक्टर ने कहा थोड़ी बहुत अब एक आध चम्मच दही खा सकते हैं ना। फिलहाल मेन खाना मेरा दलिया है तो दलिया पर टिके रहेंगे हम लोग, दलिया खाएंगे और बहुत अच्छा लग रहा है यार घर आके। कल मैं रात को आया था तब भी थका हुआ था, कुछ कर नहीं पाया, बट अभी जस्ट मॉर्निंग में उठा, ब्रश वश किया, नहाया, चेंज किया, अब बैठे आराम से, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने बीएड वगैरह कुछ नहीं बनाया, मैंने कहा यार एकदम तबीयत खराब, कुछ हिम्मत नहीं हो रही थी। बाकी बड़ा अच्छा लग रहा है घर से ब्लॉग स्टार्ट करना बहुत दिन बाद। ये तबीयत जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी रिकवर कर जाऊँ मैं, ताकि मैं बाहर जाऊँ जल्दी। और बाहर जैसे मैं जाता हूँ ऑलवेज आपको दिखाता हूँ अच्छी चीज़ें वापस दिखा पाऊँ। बस आई होप, प्रे करिएगा आप जल्दी ठीक हो जाए। बस थोड़ा बॉडी वीकनेस है, हिम्मत नहीं हो रही कैसे, बस मैं बैठा हूँ, मैं सही जानता हूँ। बाकी अपनी दलिया रखी, दलिया खाते हैं। और मौसम भी बाहर बारिश का धूप का बना हुआ है, पता नहीं कैसा मौसम हो रहा है, थोड़ा मौसम की थोड़ा खराबी है, तभी तभी जो खराब हो रही थोड़ा मौसम का भी दिक्कत है। ये है कि दवा खाएंगे बस दलिया निपटाते हैं, ऐसा भी होता है, बताते फिर थोड़ी देर में। गाइस यार अपना खाना वाना हो चुका है, अपनी खाते अपनी दवा यार, दोपहर की एक खुराक खानी है ये सुबह शाम। बाकी पीयूष रेडी है, पीयूष जा रहा कानपुर, मम्मी का चश्मा ले अपना, मम्मी जी बैठी है यहाँ पे, बाबू हमारा यहाँ बैठा है, मम्मी का टीवी ऑन है। मैं चलता हूँ, मैं तो दवा खाता हूँ यार अपनी, क्योंकि दवा गैप नहीं होना चाहिए, डॉक्टर का दवा टाइम टाइम खाइए। चलते भी दवा खाते हैं, पीयूष निकल रहा कानपुर यार, मन कर रहा मेरा भी जाने का साथ में पीयूष के, बट यार मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। पीयूष कह रहा पूछ चलना है क्या, मैंने कहा नहीं यार भाई, मैं तो इतनी जल्दी बॉडी में खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ यार, मैं तो बस बैठा हूँ किस तरह, लेट जा रहा हूँ। और कानपुर जाना तो भाई नॉट पॉसिबल, चाहे वाया स्कूटी या बस नहीं जा पाऊंगा, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा तुम जाओ चश्मा लेके आओ अपना, जो ऑर्डर दिया था बनने के लिए बन चुका है। तो पीयूष निकल रहा कानपुर, चश्मा लेके आएगा, मैं तो दवा खाता हूँ, जब मिलता हूँ फिर दवा खाने के बाद यार। चलिए बाकी पीयूष तो निकल रहा है, पीयूष अपना रेडी है, निकल रहा बढ़िया कानपुर, हम लोग बैठे आराम से घर बैठे से टाइम पास करेंगे। पीयूष अपना जा रहा है बाहर, अपना काम करके आएगा, दिखाएंगे चश्मा कैसा है, पीयूष लेके आएगा तो आपको दिखाएंगे कैसा कैसा, मम्मी को पहन के दिखाएंगे, इसको पहन दिखाएंगे कैसा, दोनों ने फ्रेम बनवाया इनका, आपको दिखाया था लास्ट टाइम, पर वो दिखाएंगे जरूर। फिलहाल पीयूष बाबा कहते हैं चलो भाई निकलो आराम से, बढ़िया पहुंचना, कॉल करना, ठीक है, ठीक जाके पहुंच, फोन करना, ठीक बाबा यार। चलिए पीयूष तो चला गया, हम चलते अंदर, मैं दवा खाने जा रहा था, बट एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो गई, फिल्टर में पानी, ये देखकर पानी बहुत कम आ रहा है, पानी नहीं है एक्चुअली मेन बात है। अभी हमने मशीन अभी ऑन करी है, थोड़ा टाइम लगेगा ना, थोड़ी बहुत बालू वालू थोड़ी बैठ जाए तब मशीन ऑन करेंगे, ताकि ये फिल्टर की, ताकि ये ना उसमें बालू ना आ जाए। अब ठंडा पानी है फ्रिज का निकाला है, बाहर रख दिए, वेट कर रहे हैं ताकि नॉर्मल हो जाए, फिर दवा खाएं, क्योंकि ठंडा पानी पीना भी ठीक नहीं है, और पेट दर्द वगैरह फिर से चालू हो जाए, तो मैं कोई रिस्क ले नहीं रहा, बहुत सोच समझ के काम कर रहा हूँ। तब तक थोड़ा ठंडा होता है, बैठते आराम से मम्मी जी के साथ, अलग साथ इन लोग साथ बैठ के अपना टाइम स्पेंड करते हैं, पूरा आज का रात को जाना होगा। गाइस यार कैसे भी करके मैंने दवा तो खा ली है, बट बारी अब सिरप पीने की, ये भी टाइम टू टाइम पीना है, थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट है इसका, अजीब सा, बहुत अजीब सा टेस्ट है यार, बट पीना है तो पीना है, पी लिया मैंने इसको भी। और ये सिरप था यार जो मिला इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए, मतलब पेट में डाइजेस्टिव की दिक्कत ना, जो भी ना करे पेट के लिए, मतलब बढ़िया सिरप है, और पी लिया फिलहाल, दवाई मैंने खा ली है। और सब लोग सो गए, मम्मी रेस्ट करे, एलेक्स हो रहा है, मैं भी चलता हूँ आधे घंटे के लिए, थोड़ा रेस्ट करता हूँ आराम से, और फिर मिलेंगे आपको हम लोग शाम को। यार कहाँ मैं जा रहा था सोने, और कहाँ वापस रेडी हो गया, काम मिल चुका है क्योंकि पीयूष तो है नहीं, तो इतने सारे कपड़े हो गए पापा के प्रेस वाले, डाल देते हैं क्योंकि उनको ड्यूटी जाना होता है ना, तो चेंज करना था डेली, तो ये भी काम जरूरी है यार, वो चार इतने परेशान रहते हैं, तो यार हम लोग कुछ फर्ज बनता है पूरा करने का, तो चलते सो डाल आते हैं। गाइस यार फाइनली मैंने कपड़े डाल दिए प्रेस को, अब शाम तक उठाएंगे, तो चलते हैं फटाफट घर, मिलते हैं डाटा में घर पे। गाइस यार आ चुके हैं घर, अब चेंज करते हैं, आराम से लेटते हैं यार, मैं रेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ यार, अब चलते हैं आराम से रेस्ट करते हैं। बाबू खुश हो गया, अब भूमिका जी नहीं गए थे जो परेशान हो गए, हाँ कपड़े डालने गए थे प्रेस के पापा के। चलिए गाइस मैं चेंज करता हूँ, अब थोड़ा रेस्ट करता हूँ, बहुत यार धूप बहुत तेज हो रही है, उमस वाली, चेहरा देखो पसीना पसीना हो गया, अब डाटा को शाम को मिलेंगे आराम से। यार मैं सो के उठ चुका हूँ, शाम हो चुकी है, 6:45 हो गया, और उठते ही देखिए कौन, पीयूष आ चुका है चश्मा लेके, और दिखा रहा चश्मा कैसा है। बाकी पीयूष अंदर आ चुका है, और ये चक्कर है, ये मैं डॉगी महाराज, बारिश हो रही है, ये भी माने नहीं, ये भी अंदर आ गए, पीयूष भी थोड़ा बेचारा भीग गया बारिश में यार, बारिश हो रही है ना बाहर, तो भी वो जल्दी से घर आ ही गया, और ये बारिश के मारे परेशान थे, ये भी अंदर आके बैठ गए, इनको बैठने देते हैं। चलिए बाकी यार मौसम अचानक चेंज हो गया, अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई, और पूरा बारिश बारिश का माहौल हो गया। अब ये चक्कर है, प्रेस वाले कपड़े डाल के आया था मैं, पीयूष ले आया क्योंकि यार बाहर तो हो रही थी बारिश, फिर थोड़ा भीग चुका था, मैंने कहा मैं आ जाऊंगा वापस से भीग जाऊंगा, तो पीयूष ले आया आराम से कपड़े, ये भी काम हो गया। बाकी मम्मी चाय बना रही है, चाय में निकालते हैं, बाकी भी चश्मा दिखाते हैं, चश्मा कैसा है मैंने देखा नहीं है, अभी पीयूष मम्मी दोनों लोग पहनेंगे तो दिखाएंगे कैसा है फिलहाल,
और मम्मी जी अपने किचन में चाय बना रही है, आराम से लगी इधर किचन में चाय बनाने में। एलेक्स बैठा वेट कर रहा है, कुछ खिलाओ पिलाओ, हमेशा भूखे रहते हैं ये, हमेशा भूखे। सब लोग आ चुके हैं, पीयूष अभी चेंज कर रहा है, मम्मी ने अपनी चाय निकाल ली है, यहाँ मेरी भी चाय निकाल दी। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया था आधी कप, बहुत ज़्यादा नहीं, आधी कप मैं पीऊँगा बस, कुछ खाऊंगा नहीं, बस नॉर्मल आधी कप चाय पीऊँगा, ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरी क्या हालत है। तो बस टीवी बारिश हो रही ना, तो यार बारिश में चाय पीने तो यार जानते ही मन करता है, इसीलिए बाकी ना मैं ना पीता, बारिश हो रही पूरा वैसा मौसम बना हुआ है। तो फटाफट इस मम्मी इधर चाय पानी कर रहे हैं, एलेक्स भी नमकीन खा रहा है, इधर हमारी चाय रखी है पीयूष हमारी, फटाफट अभी चाय पीते हैं। गाइस यार टाइम आ चुका है चश्मा दिखाने का, जो मम्मी के लिए नया बनवाया है, ये चक्कर मम्मी लगा रही है, बताओ मैं कैसा लग रहा है पहन के, कैसा लग, बढ़िया लग रहा है मम्मी, बढ़िया लग रहा है, मजा आ रही है, अच्छा लग रहा है। पीयूष चश्मा लगा रहा है, पीयूष चश्मा इतने कैसा है, ये चक्कर यहाँ लगाया पीयूष ने फ्रेम, कैसा लग रहा है, बढ़िया बढ़िया हल्का, ये चपक रहा जा रहे पे, ठीक है, वाला भारी था ना वाला, हाँ वो सरक जाता था, ये सरकेगा नहीं। इधर मम्मी का नया चश्मा, दोनों की पार्टी हो गई, हमें तुम्हारी पार्टी, पीयूष की पार्टी, जैसा कि आपने देखा ये चश्मा पीयूष का और इधर मम्मी का, बढ़िया चश्मा इन लोग आ चुका है, बहुत इनसे परेशान है चश्मे के लिए, ये फ्रेम खराब हो गया, खराब हो गया, अब बढ़िया न्यू हो गया, अब आराम से पहनना, बढ़िया है, खाना वाना बनाना तो ठीक से आएगा, खाना बनाते इसकी स्टीम लगती है, उससे खराब होता है, अब पीयूष तो बहुत पुराना हो गया था इसलिए बदलवाया, तो ये चलो बढ़िया हो गया, इनका दोनों चश्मा आ गया, ये काम बढ़िया हो गया। बाकी अब टाइम हो चुका है एलेक्स की वॉक का, एलेक्स हमारा बेचारा बहुत परेशान, पर दिक्कत ये की बाहर हो रही है बारिश, अब कैसे लाएंगे समझ में नहीं आ रहा, बारिश रुके तो ले जाए, हम भी भीग जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, एलेक्स भी, ये चक्कर है गाइस, बारिश हो रही है, आ गए अंदर पड़े आराम से, सो भाई तुम लोग रंगवा दिए, इनको अपना सोने देते हैं, हम चलते हैं अंदर आराम से, जैसे बारिश रुकती है फिर देखते हैं सुबह को लेके जाना है, जो भी हो बताएंगे आपको। गाइस यार आपको मैं ऐसा मौसम दिखाता हूँ, आप टाइम चेक करें, टाइम हो रहा है 7:30 और आपको दिखाता हूँ ले जाके क्या खतरनाक मौसम बना, एकदम अलग ही, मतलब पहली बार ऐसा मौसम मैं देख रहा हूँ, आपको देखे खुद यकीन नहीं होगा, 2-1 और ये चक्कर है गाइस, पता है आपको कैमरा दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, एकदम लाल लाल पूरे बादल दिख रहे हैं, पूरे लाल बादल भाई, अलग ही मौसम एकदम गाइस, मैंने पहली बार देख रहा हूँ यार ऐसा मौसम, एकदम अलग है, पूरा चक्कर है, रात 8:30-7 बजे ये ऐसा मौसम है भाई, यकीन ही नहीं हो रहा कैसे लाल लाल बादल है भाई, अमेजिंग भाई, ये तो कुछ अलग ही हो रहा है भाई, ये तो पहली बार देख रहा हूँ, पता नहीं कैसा भाई बादल हो रहा है भाई, मैंने कैसा मौसम बना हुआ है, अलग से वॉक पे लेके जाना भी, कैसे लेके जाएंगे, बारिश नहीं हो रही यार, फाइनली बारिश रुकी थी तो मैं अलग से वॉक करा दिया, तभी हल्की हल्की बारिश हो रही थी, व्लॉग नहीं कर पाया मैं, जस्ट अभी घर पहुंचा हूँ, चेंज किया अलग से वॉक करा दिया, आराम से फ्रेश हो गया, बढ़िया बैठा है, बाकी अभी हम पीयूष जा रहे हैं अलग से डॉक्टर के पास, क्योंकि इसकी जो सामान है खाने पीने वाला खत्म हो गया, तो चलते डॉक्टर क्लिनिक सामान लेते हैं, काफी रात हो गई 8:30 बज गया, मिलता है आपको रास्ते में, फाइनली पहुंचे डॉक्टर क्लिनिक, चलते हैं अंदर सामान लेते हैं, फिर से बात करते हैं। गाइस यार फाइनली हमने अलग सामान ले लिया, अब चल रहे हम लोग घर की ओर, मौसम बिगड़ने वाला है, बारिश स्टार्ट हो गई हल्की, फटाफट निकलते हैं, मिलते हैं आपको घर में। यार फाइनली लोग घर आ चुके हैं और ये चेक करें, ये सामान है सारा एलेक्स का, इसमें सिरप भी है, सिरप तुमने शायद यहीं का रख दिया होगा, फिर सिरप सारा सामान है एलेक्स का, निकाल रहा पीयूष, बढ़िया एलेक्स को देते हैं, खुश हो जाएगा, चलते हैं यार चेंज वेंज करते हैं अंदर, 9 बजने वाला रात के, थोड़ा उमस सा हो रहा है, चेहरा पसीना पसीना चिपचिपा चिपचिपा हो रहा है, चेंज वेंज करते हैं, नहाते वहाते हैं, फिर आराम से बात करते हैं। इस यार फाइनली मैंने चेंज कर लिया, मस्त नहा लिया, और यार बाकी खाने का टाइम हो चुका है, खाने अपने पास ऑप्शन वही आ चुका है, दलिया, जहाँ से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था वहीं से ब्लॉग के एंड हो रहा है, और यार मैं 2-4 दिन तो बहुत तबियत मेरी ठीक नहीं है ना, तभी तो मैं घर पे रहूँगा, बाहर जा सकता नहीं हूँ, अगर मैं बाहर जाना ट्राई भी करूँगा तो तबियत बिगड़ जाएगी, डॉक्टर मना किया है, तो दैट से मैंने एक दो जगह अच्छी चूज कर रखी है कि जाने वाली, आपको दिखाऊंगा, बस थोड़ा सा मुझे यार समय दीजिए, थोड़ा तबियत मेरी ठीक हो जाने दीजिए, बहुत परेशान हूँ यार मैं, तो इसीलिए मैं घर पे हूँ, बारिश का मौसम भी हो रहा है, क्योंकि अगर मैं भीग गया तो और के बीमार पड़ गया, फिर फीवर वीवर आ गया तो दिक्कत हो जाएगी ना, दैट से मैं थोड़ा ठीक हो जाऊँ, एकदम अच्छे से हो जाऊँ, उसके बाद आपको बाकी मैं बढ़िया मस्त एकदम बढ़िया बढ़िया शूट करूँगा, जैसा भी होगा बताऊँगा आपको, तो ठीक है इस व्लॉग को आज मैं एंड करता हूँ, आई होप आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा वीडियो करेगा लाइक, चैनल करेगा सब्सक्राइब, मिलते हैं आज से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।